हमारे देश के चार महानुभावों ने मुझे कंप्लेन दी है। ये चार लोग हैं, मिस्टर टीएसआर सुब्रमण्यम, हु इज द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। दूसरे हैं मिस्टर ईएस शर्मा, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तीसरे हैं एडमिरल ताहिलयानी, जो फॉर्मर नेवी चीफ हैं। और चौथी हैं कामिनी जायसवाल, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी वकील हैं। इन चारों ने मिलकर एक दिल्ली सरकार को कंप्लेन दी है और उस कंप्लेन में उन्होंने आरोप लगाया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हमारे देश के गैस के कुछ कुएं दिए गए थे। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में एक कॉस्ट शीट अटैच की है, जो कि रिलायंस की तरफ से ही है, जो ये दिखाता है कि उस कुएं से गैस निकालने की कॉस्ट $1 पर यूनिट से भी कम है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था अर्ली 2000 में, तो उस टाइम 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट एनटीपीसी के साथ हुआ था कि ये उनको लगभग $2.3 पर यूनिट पे गैस देंगे 17 साल के लिए। लेकिन थोड़े दिन में नियत पलट गई और कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर इन्होंने उसका दाम $4 पर यूनिट से ज्यादा का करवा लिया। लेकिन लालच अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है। तो इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्डर पास करवाया कि अभी आने वाली 1 अप्रैल 2014 से गैस का दाम डबल कर दिया जाएगा, यानी कि $8 प्रति यूनिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। उसी कंप्लेंट में आरोप है कि उसी गैस के कुएं से रिलायंस का जो पार्टनर है निको, वो आज भी बांग्लादेश को $2.34 पर यूनिट पे गैस दे रहा है। और आज हमने एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश दिए हैं कि इसमें क्रिमिनल केस फाइल किया जाए, श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है, श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स।